रायबरेली में पीएम नरेंद्र मोदी ने आज देश भर के 508 रेलवे स्टेशन का अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पुनर्विकास शिलान्यास किया है। उनमें रायबरेली रेलवे स्टेशन भी शामिल है। रायबरेली रेलवे स्टेशन को देश स्तरीय स्वरूप देने के लिए आज वर्चुअल माध्यम से पीएम नरेंद्र मोदी के शिलान्यास के बाद हरी झंडी मिल गई है। पीएम मोदी के वर्चुअल माध्यम से शिलान्यास कार्यक्रम पूर्व सुबह 9 बजे से ही रायबरेली रेलवे स्टेशन परिसर में जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों का जमावड़ा लग गया था। पीएम मोदी के संबोधन से पहले यहां राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिनेश सिंह की उपस्थिति में सभी जनप्रतिनिधियों ने इकट्ठा होकर रायबरेली के लिए इस गौरवशाली क्षण बताया। इस दौरान यहां स्कूली छात्र छात्राओं ने जहां सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए, वहीं पूर्व में अमृत भारत स्टेशन को लेकर आयोजित हुई निबंध प्रतियोगिता के प्रतिभागियों को सर्टिफिकेट भी दिए गए। इस दौरान राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिनेश सिंह ने स्टेशन के कायाकल्प के बाद सामने आने वाले स्वरूप की जानकारी देते हुए बताया कि इसे लखनऊ प्रयागराज मार्ग से सीधे जोड़े जाने की भी योजना है, जिससे स्टेशन आने वालों को जाम से निजात मिलेगी। अपने विजन पर आधारित 508 अमृत भारत स्टेशनों का शिलान्यास करेंगे। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मूल मंत्र पर आधारित ये नए स्टेशन सभी नागरिकों को डिग्निटी ऑफ ट्रैवल प्रदान करेंगे। मैं सबसे पहले अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूं, अपनी ओर से, उत्तर प्रदेश की सरकार से ओर से, रायबरेली वासियों की ओर से, कि उन्होंने रायबरेली जनपद को इस स्तर का सम्मान, इस स्तर की सेवा दी है। निसंदेह रायबरेली वासियों ने ऐसा सम्मान और ऐसी सेवा कभी इससे पहले प्राप्त नहीं की। रायबरेली वासियों ने इस रायबरेली से कहा जाता है कि सुपर प्रधानमंत्री तक दिया, लेकिन जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने रायबरेली को दिया वो शायद कभी कोई सुपर प्रधानमंत्री भी नहीं दे सका। डॉक्टर विवेक शुक्ला, इस जिले में यहीं का निवासी हूं और मैं पिछले 6 वर्षों से भारत सरकार रेल मंत्रालय का उत्तर रेलवे का सलाहकार सदस्य हूं। आए दिन मैं इस रेलवे स्टेशन में आप लोग की सुविधाओं के लिए एवं माननीय रेल मंत्री, रेल राज्य मंत्री जी से मैं मिलकर रायबरेली की ये जो अमृत योजना को मैंने ही डलवाया था, मैंने मंत्री जी से कहा था कि रायबरेली की जनता यहाँ से एक पूरी देश जानती है रायबरेली को, तो इसके उद्घार के लिए तो उन्होंने प्रधानमंत्री जी से रिवत किया और आज हम लोग इस महोत्सव का अनुभव कर रहे हैं। मैं आदित्य गुप्ता हूँ, वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक लखनऊ मंडल उत्तर रेलवे। नहीं, भारतीय रेल का ये पूरा समस्त प्रयास है कि भारत देश के जो 508 आज चिन्हित स्टेशन थे लखनऊ मंडल में, उसमें 15 स्टेशन को आइडेंटिफाई किया गया था, जिसमें रायबरेली एक हमारा बहुत मेजर स्टेशन है, तो उसमें आज ही शिलान्यास कार्यक्रम हम लोगों ने आयोजित किया था जो बहुत अच्छे रूप में संपन्न हुआ है। और इसी के साथ हम लोग जो आधारभूत जो यहाँ बुनियादी चीज़ें जो बेहतर होनी है, आधुनिकीकरण होना है, उसका कार्यक्रम हम लोग अब प्रारंभ कर देंगे। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।